जहां बड़े बड़ों की हिम्मत समाप्त होती है वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। जी हां, एक ऐसे नेता जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है, ये शख्सियत उस परिवार से नाता रखते हैं जिस परिवार के जिक्र के बिना हरी के प्रदेश की इस राजनीति को अधूरा ही माना जाएगा। तो प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें चौटाला परिवार के इस चिराग का, इनेलो नेता करण चौटाला। बिल्कुल, और इन्हें मंच पर बुलाएंगे। सर, मंच पर आने से पहले सर चाहेंगे कि एक जो हमारी टीम ने मेहनत की है आपके राजनीतिक सफर को दिखाने के लिए, वो जरा सीधे स्क्रीन पर दिखाया जाए। कर्ण चौटाला इनेलो के नेता हैं और इनका जन्म 30 अप्रैल 1991 में हुआ था, जो काफी लंबे समय से राजनीति में एक्टिव हैं। अपने पिता अभय चौटाला की तरह ही इन्होंने जिला परिषद के जरिए अपनी सियासी पारी का आगाज किया है। कर्ण चौटाला ने 2013 में राजनीति में कदम रखा, इसके बाद अलग अलग पदों पर काम कर अपने संगठन को मजबूती दी। 2014 में सिरसा लोकसभा के प्रभारी बनाए गए। कर्ण चौटाला के नेतृत्व में 2014 में सिरसा की सभी 5 सीटें जीती। 2016 में सिरसा में जिला परिषद का चुनाव भी लड़े और जीते, साथ ही जिला परिषद के वाइस चेयरमैन भी रहे। इसके बाद 2022 में भी जिला परिषद का चुनाव जीता और इस बार वो जिला परिषद के चेयरमैन चुने गए। इतना ही नहीं, कर्ण चौटाला भारतीय ओलंपिक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के अलावा अलग अलग खेलों के फेडरेशन में अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। कर्ण चौटाला ऐसे राजनीतिक परिवार से आते हैं जिनका प्रदेश के साथ देश की राजनीति में भी अहम योगदान रहा है। हरियाणा की सियासत में उनका परिवार हमेशा ही मुख्य भूमिका में रहा है। चौटाला परिवार को राजनीति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कर्ण चौटाला के परदादा चौधरी देवीलाल देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम रहे हैं, तो वहीं उनके दादा ओम प्रकाश चौटाला भी हरियाणा के 5 मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके पिता अभय चौटाला इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव और एलनाबाद से मौजूदा विधायक हैं और कर्ण चौटाला खुद सिरसा जिला परिषद के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अनुरोध है सर आप मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें और सवाल जवाब के इस दौर को आगे बढ़ाती नजर आएंगी मेरी सहयोगी साधना बत्रा। एक बार फिर से बहुत स्वागत है करण चौटाला जी आपका। इनेलो नेता हैं आप, इनेलो के युवा प्रभारी हैं और सिरसा जिला परिषद के चेयरमैन हैं। 2013 में आपने राजनीतिक सफर शुरू किया, अब तक का आपका चुनावी सफर और अनुभव कैसा रहा? बहुत कुछ सीखने को मिला और जितना जनता से प्रेम प्यार और आशीर्वाद मिला, जैसे जैसे लोगों के बीच में गए तब अनुभव हुआ कि असलियत में हमारे परदादा ने क्या कमाया है, हमारे दादा ने क्या कमाया है या हमारे फादर ने क्या कमाया है जनता के बीच में जाकर के। तब जाकर के एहसास हुआ कि कितनी बड़ी जिम्मेवारियां हमारे कंधों पर है और किस तरह उनको निभाना है, वो सब सीखने को मिला। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप? मैं अगर संतुष्ट होता या जनता संतुष्ट होती तो आज जनता सड़कों पे नहीं होती, चाहे व्यापारी है, किसान है, कर्मचारी है, सरपंच है। आज हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग का आदमी सड़कों पर है और खास तौर पर जहां मैं नौजवानों की बात करूं, बेरोजगारी इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि हमारा 33 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं हमारे प्रदेश के अंदर। गवर्नमेंट सीएमआई की रिपोर्ट कहती है कि 29% से ज्यादा हमारे प्रदेश में बेरोजगार हैं युवा, और स्वयं मुख्यमंत्री महोदय ने हाउस के अंदर इस बात को हंकारा है कि हमारे प्रदेश के अंदर 11 लाख युवा बेरोजगार हैं। और फिर ये वही रिपोर्ट लोकसभा के अंदर भेजते हैं, वहां पे कहते हैं कि 13 लाख युवा बेरोजगार हैं। इनके आंकड़ों में तो 1 महीने के टाइम में ही फर्क आ जाता है, तो कहां पर आप मान करके चलते हैं कि ये सरकार ने काम किया है? तो आपका ये कहना है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है? बिल्कुल, सरकार ने एक काम किया है, अपनी जेब भरी है सत्ता में बैठे लोगों ने। अगर आप सत्ता में होते तो क्या विकास करवाते? मुझे आप कहने कितने युवाओं को नौकरी देते? मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इतिहास गवाह है। जब जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आई है या जब जब चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री रहे,
या फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जो बात कही वो पूरी करी। मुझसे पहले अभी यहाँ बबली जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि अब से पहले सरपंचों को चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़ते थे, शायद वो ये बात भूल गए। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चलाया था, जहां पर एक भी सरपंच को कभी चंडीगढ़ नहीं आना पड़ा। मुख्यमंत्री गाँव में जाया करते थे और मुख्यमंत्री जाकर के वहां गांव में पूछते थे आपके गांव की तकलीफें क्या हैं। अभी वो पारदर्शिता की बात कर रहे थे, कहते थे हमने एक तरह से करप्शन को खत्म करने का काम किया रूट कॉज पे। रूट कॉज पे तो आपने कर लिया, मैं अगर मान लूं तो आपके जो मंत्री बैठे हैं, आप लोगों के पास जो 500-500 करोड़ के 1000-1000 करोड़ के टेंडर आते हैं, वो आप ई टेंडरिंग पे क्यों नहीं लगाते? उनके ऊपर कौन निगाह रखेगा, इसकी जानकारी कौन देगा? आप आज सरपंचों पे जिनके पास 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख के टेंडर है, उनके ऊपर आप आवाज उठा रहे हो, उनके ऊपर आप रोक लगा रहे हो, वो अपनी बात को लेकर के जब चंडीगढ़ पहुंचे आप उन पर लाठियां बरसा रहे हो, तो आपके ऊपर चेक रखने वाला कौन है? इस बात के लिए कौन उस चीज को जनता को जवाबदेही होगा? तो आपको लगता है कि INLD सत्ता में वापसी कर पाएगी? कर पाएगी नहीं, डेफिनेटली करेगी। तो आप ये दावा कर रहे हैं? मैं दावा कर रहा हूँ। तो 2024 चुनाव को लेकर कितनी तैयारियां हैं आपकी? पूरी तैयारियां हैं और उन्हीं तैयारियों के साथ अब अपनी आवाज को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा मकसद इस यात्रा को लेकर के जनता से रूबरू होना है, उनसे उनकी दिक्कतों को जानना है और हरियाणा प्रदेश के लिए हम क्या करना चाहते हैं, हमारे क्या मोटिव्स हैं, वो उनके आगे रखना है। और उसमें हम अभी तक काफी सफल रहे हैं। 8 जिले हमारे पूरे हो गए, लगभग 1250-1300 किलोमीटर के आसपास हमने हरियाणा प्रदेश में कवर कर लिया और जनता से बहुत प्रेम प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। आपके परदादा चौधरी देवीलाल इसी तरह की यात्राएं निकालते थे, अब आपके पिताजी भी इसी तरह की यात्रा पर हैं। कितना समर्थन मिल रहा है जनता का, कितना प्यार मिल रहा है? लगता है कि 2024 में कुछ परिवर्तन कर पाएंगे आप? बिल्कुल परिवर्तन करेंगे और सिर्फ हम नहीं करेंगे, हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात के लिए अब तैयार हो चुकी है कि परिवर्तन की जरूरत है और एक नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है। तो ये बदलाव अगर आपकी सरकार होती तो क्या बदलाव देखने को मिलता? आप एक युवा नेता हैं, युवाओं के लिए क्या करते आप? जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज बेरोजगारी किस स्तर पर पहुंच चुकी है, इस सरकार में 33 से ज्यादा पेपर लीक हो गए लेकिन कार्रवाई कभी नहीं हुई, आज तक कभी उसकी कोई जवाबदेही नहीं आई। हाउस के अंदर कहा जाता है कि हम रिपोर्ट पेश करेंगे, हमने SIT बना ली, SIT की रिपोर्ट्स आ गई लेकिन टेबल पे वो रिपोर्ट्स कभी नहीं रखी गई, या जनता के आगे या मीडिया के आगे कभी वो रिपोर्ट्स नहीं आई। हमारा ये कहना है कि हरियाणा के अंदर आज 4,80,000 के आसपास जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं लगभग, उसके अंदर 2,40,000 के आसपास जॉब्स खाली हैं, कौन उनकी भरपाई करवाएगा? सरकार कहती है कि हमने 40,000 का प्रावधान कर लिया, चलो अगर एक बार मैं मान भी लूं आपने 40,000 का कर लिया, तो 1,40,000 का प्रावधान कौन करेगा, उन नौकरियों को कौन भरेगा? ये सरकार का काम है। आज ये सरकार स्कूल में टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ नहीं है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल से प्राइवेट स्कूल वालों से पैसे खा रहे हैं कि किस तरह हम ये भर्तियां ना करें, इन स्कूलों को बंद करवाया जाए और इनको प्राइवेट स्कूल्स को हैंडओवर किया जाए। इस प्रकार की चीजें हम बंद करेंगे, नौजवानों को कैसे रोजगार दिया जाए उसका प्रावधान करेंगे, जब तक उनको रोजगार नहीं मिले किस तरह हम उनको स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स की तरफ मोटिवेट करें उसके लिए हम उनको हेड ऑफ करेंगे, ना कि इस सरकार की तरह कि भाई हम स्टेडियम्स के ऊपर पाबंदियां लगा दें या फीस लगा दें कि आपको स्टेडियम में जाने के लिए फीस देनी पड़ेगी, या आप स्पोर्ट्स में अगर एक्सेल करते हैं तो आपके ऊपर जॉब के लिए प्रेशर रहेगा कि आपको कौन सी कैटेगरी की जॉब मिलेगी। नहीं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बहुत क्लियर कानून बनाए थे कि आप स्पोर्ट्स में एक्सेल करेंगे, आप देश के लिए प्रदेश के लिए मेडल लाएंगे, तो आपको क्लियर कट आपके काबिलियत के हिसाब से इंस्पेक्टर रैंक DSP रैंक की जॉब्स दी जाएगी या किस तरह आपको आगे बढ़ाया जाए उसके लिए आपको मोटिवेट किया जाएगा। इन्होंने तो स्पोर्ट्स पर्सन को भी पीछे ढकेलने का काम किया है, इन्होंने आज हर तरह से आज के हमारे हरियाणा के युवा को कैसे पीछे रोका जाए उसके ऊपर काम किया। आप कह रहे हैं कि INLD दोबारा सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन तमाम पार्टियां तो कह रही हैं कि INLD कुछ नहीं रह गई है, कोई पार्टी नहीं है, वो तो यही कह रही है। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपका मीडिया बताता है INLD क्या है। जब विधानसभा के अंदर अभय सिंह जी बात करते हैं,
आपका मीडिया दिखाता है कि INLD का कितना दबदबा अभी भी हाउस के अंदर है, चाहे इकलौते विधायक होकर के भी, किस तरह पूरे हरियाणा प्रदेश की आवाज अकेले उठाते हैं, जहां पर 31 विधायक कांग्रेस के होकर के भी उस मजबूती से कभी अपनी बात नहीं रख पाए। दुष्यंत चौटाला क्या लगते हैं आपके जी? दुष्यंत चौटाला क्या लगते मैंने हैं आपके? मैंने पहले भी ये बात कई बार कही है, हमारे एक बागड़ी में कहावत है, बंचेड़ी चिट्ठी है बिंगो बारी बारी जिक्र नहीं करना चाहिए, कि मतलब एक चिट्ठी को, एक लेटर को जिससे आपने कई बार पढ़ लिया, बारी बारी उस लेटर का जिक्र क्यों कर रहे हैं? नहीं, क्या लगते हैं आपके? डिप्टी CM है वो, प्रदेश के डिप्टी CM है। आपके कुछ नहीं लगते जी? मेरे कुछ नहीं लगते। आपके और उनके साथ कैसे संबंध है? क्योंकि ये भी कहा गया जैसे राजनीतिक संबंध होने चाहिए वैसे है, क्योंकि ये भी कहा गया है कि INLD और JJP अगर सत्ता में वापसी होती है तो कुछ तस्वीर बदल सकती है, कैसा संभव है? बिल्कुल नहीं हो सकती, ये गलत फहमी ना रखें। जिनका हमारे साथ राजनीतिक क्या हरियाणा हित के लिए, जिनकी विचारधारा ही नहीं मिलती, जिन्होंने इस प्रदेश को लूटने का काम किया, जिन्होंने जिनका सबसे बड़ा हाथ था इस प्रदेश को पीछे ढकेलने में, उनके साथ INLD कभी एक मंच पर नहीं आएगी। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला कैसा सोच रहे हैं कि पारिवारिक दूरियां अगर खत्म हो तो हम साथ में आ जाएं? 2024 में कुछ तस्वीर देखने को मिलेगी ऐसी? इसके ऊपर चौटाला साहब ही ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं, पिछले दिनों की तस्वीरें काफी है। तो आपको लगता है कि ये जो INLD है ये सत्ता में वापसी कर पाएगी? कर पाएगी नहीं, करेगी। तो यहाँ पर आप दावा कर रहे हैं? बिल्कुल दावा कर रहा हूँ, तीसरी बार आप मेरे से कहलवा रहे हैं। कितनी तैयारियां आपने की हैं? परिवर्तन पद यात्रा भी निकाल रहे हैं आप, उसको लेकर कितनी तैयारी है? तैयारियां नहीं, हमारी यात्रा तो शुरू हो चुकी है, 1200 से ज्यादा हमने किलोमीटर तय कर लिए। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां तो ये कह रही हैं कि 18 साल का जो गैप है वो यहाँ पर पूरा किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। उनका काम है कहना, उनका काम है टिप्पणियां करना, जो कहते थे कि कभी यात्रा होगी नहीं, पूरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आधी कर ले तो बहुत है, उसके बाद बयान आते हैं कि यात्रा बंद कर देनी चाहिए, अपने बच्चों को सौंप देनी चाहिए, फिर बयान आते हैं कि एक हफ्ते से देश में नहीं है। जिनको इन बातों के बारे में जानकारी नहीं है कि कौन कहाँ पे है, कहाँ नहीं है, किस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हम अपना काम कर रहे हैं और हरियाणा प्रदेश की जनता उस काम को देख रही है, और हमारे को उस चीज का श्रेय देना है, वो हरियाणा प्रदेश के हाथ में है, हरियाणा प्रदेश की जनता के हाथ में है, कुछ चंद लोगों के हाथ में नहीं है। JJP महासचिव दिग्विजय चौटाला क्या लगते हैं आपके, जानते हैं आप उन्हें? फिर आप वही सवाल कर रही हैं, अभी मैंने दुष्यंत जी के बारे में वही बात की, तो वही बात, राजनीतिक नाते हैं जो हैं, विरोधी हैं राजनीतिक, लेकिन अब राजनीतिक नाते रहने गए हैं ये, तो राजनीतिक ही नाते रह गए, अब और कोई नाते तो है ही नहीं ना उनके साथ, तो कोई नाता नहीं है आपका उनके साथ? मैंने आपको अभी तो कहा राजनीतिक नाता ही है सिर्फ, तो कोई नाता नहीं है कोई। लेकिन एक बात बताइए, जब विधानसभा में खड़े होकर अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला एक दूसरे पर तंज कसते हैं कि तू तो चोर है, उस पर आप क्या कहेंगे? सच्चाई कही है उन्होंने। कैसे? मुझे कहने की जरूरत नहीं है, या आप फैक्ट्स उठा करके देख लीजिए और सबूत के साथ ला करके देंगे। जिस बात के बारे में उन्होंने कही थी, जो हिसार वाले एयरपोर्ट का मैटर था, किस प्रकार दुष्यंत के कुछ लोगों के साथ मिलकर के कंपनियां क्रिएट करके वहां पर उन्होंने जमीनें अक्वायर करी और फिर उसी को बेच गवर्नमेंट के थ्रू खरीदने का काम किया, वो सारी चीजें आपको फैक्ट्स के साथ ऑन द टेबल ला करके देंगे, और जिस दिन लाएंगे उस दिन सबूत पेश हो जाएंगे। शराब घोटाले के ऊपर आज तक क्यों रिपोर्ट्स को नहीं आई? कहाँ है? गवर्नमेंट ने SIT बना ली, इतनी कार्रवाइयां होगी, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं गवर्नमेंट के, कभी पेश क्यों नहीं की गई? क्यों? क्योंकि स्वयं सरकार में बैठे लोग फंसेंगे। तो एकमात्र विधायक है आपका, उस बेसिस पर आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी सरकार दोबारा सत्ता में वापसी करेगी? सरकार में बैठे मिनिस्टर ये बात नहीं कह चुके, एकमात्र होकर के बाकी 31 से भारी है। हरियाणा की जनता को इस बात पे विश्वास है, जब अकेला इतना तकड़ा है तो इसको 45 से ज्यादा की ताकत दे दोगे तो ये आपके लिए क्या क्या कर सकता है। तो आप युवा नेता हैं, युवा प्रभारी भी हैं, खेल फेडरेशन में आपने अहम भूमिका भी निभाई है जी।
अब आप खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, कितना विकास आपने करवाया है? क्योंकि युवा नेता हैं तो आप बखूबी जानते होंगे कि खिलाड़ी जो हैं वो आज भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत निराशा होती है ये देख करके कि जो देश के गौरव हैं, जब ये मेडल्स लेकर के आए थे तब तो इनको प्रेसिडेंट हाउस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में डिनर्स पे इनवाइट किया गया, इनके सेलिब्रेशन में बड़े बड़े डिनर्स लंचेस होस्ट किए गए, इनको देश के आगे आपने इतना बड़ा गौरव बना करके दिखाया, और आज जब उनके ऊपर कोई तकलीफ आई, जब उनके ऊपर कोई दिक्कत आई, किस तरह वो पिछले 5 दिनों से सड़कों पे बैठे हैं और उनके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही, और सरकार कहती है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगी फिर FIR होगी। ये शायद आप भी पहली बार सुन रही होंगी कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि FIR बाद में हो रही है, इन्वेस्टिगेशन पहले नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन तो FIR के बाद होती है, तो ये कहां का कानून हो गया, कहां की पारदर्शिता होगी? आज हमारे देश के जो गौरव थे उनके ऊपर इतनी बड़ी आंच आई हुई है। मैं अपने भाई बहनों के साथ खड़ा हूं, मैं उनसे मिल करके भी आया, और जहां तक उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ लड़ेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ये कहते हैं कि सत्ता में परिवर्तन के लिए हम किसी भी पार्टी के साथ समझौता कर सकते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। बीजेपी उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने तो साफ तौर पे ये बात कही है कि इस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए हमारे को जिसके साथ भी जाना पड़ेगा हम विचार करेंगे, कोई हमारे पास चल करके आए तो, लेकिन बेशर्ते आएगा। और दूसरी जो अहम बात है कि हरियाणा हित के लिए जो हमारे पास आएगा उसके साथ हम विचार कर सकते हैं। आपके पिता अभय सिंह चौटाला सिरसा जिला परिषद के चेयरमैन रहे, उन्होंने अपना सियासी सफर वहीं से शुरू किया, अब आप भी चेयरमैन पद पर तैनात हैं और काबिज हैं, तो देखिए बात करें तो क्या आप भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्या वही पीढ़ी उसी तरह से आप काम कर रहे हैं? देखिए चौधरी देवीलाल जी का भी ये मानना था और चौटाला साहब भी इस चीज में विश्वास रखते थे, मेरे फादर साहब भी रखते हैं कि आपने कोई भी चीज शुरू करनी है उसको ग्रास रूट से शुरू करना चाहिए, तो आप बेहतर सीख करके निकलेंगे। आप स्कूलिंग में भी सीधा 12th के बोर्ड्स तो नहीं देते ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स, फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो ठीक, पॉलिटिक्स भी एक ऐसी चीज है जो आप ग्रास रूट से सीखते हैं, उतना आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ ज्यादा होता है, उतना आप पॉलिश होकर के निकलते हैं, उतना आप लोगों से सीख करके निकलते हैं। सिरसा में आपने युवाओं से एक वादा किया था कि नशा खत्म हो जाएगा, क्या वो वादा आपने पूरा किया? जी हम उसके प्रयास के ऊपर हैं, और जैसा कि मैंने कहा था कि नशा खत्म करना सिर्फ मेरे अकेले के हाथ में नहीं है, अहम भूमिका सरकार की प्रशासन की है, लेकिन हमने एक मुहिम जो चलाई है कि गांव में लोगों को आपस में आस पड़ोस में ध्यान रखना चाहिए, जहां कहीं ऐसा लगे कि किसी घर का कोई बच्चा इस तरफ जा रहा है तो आप डायरेक्टली बेशक उस बच्चे को ना टच करें लेकिन उसके पेरेंट्स से बात करें या उसको किस तरह समझाया जा सके, उस तरह की मुहिम चलाई है हमने, और हर गांव से गांव को जोड़ने का काम कर रहे हैं कि भाई ऐसे कोई नशा बेचने वाले अगर किसी गांव के मिलते हैं तो आप पुलिस में तो रिपोर्ट करिए, पर आजकल क्योंकि जैसे मैंने कहा नशा बिकता है तो प्रशासन और सरकार की वजह से बिकता है, उनका हाथ होता है तो बिकता है, नहीं तो कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां नशा बिक सके बिना इन दोनों के हाथ के। तो आप लोग उसको कैसे रोक सकते हैं उसके ऊपर काम करिए। तो अगर आपकी सरकार आ जाए तो इस पर काम करेगी? करेगी नहीं, डेफिनेटली करेंगे। और जहां तक नशे की बात है, ये नशा ही सबसे बड़ा कारण है कि हरियाणा प्रदेश के युवा आज या तो क्राइम में जा रहे हैं या नशे में इन्वॉल्व होते हैं, स्पोर्ट्स से, नौकरियों से, इन चीजों से पीछे हट रहे हैं। नहीं तो ये तो सबसे बड़े वो युवा हैं जो वो प्रदेश है जो हरियाणा जो हिंदुस्तान के अंदर चाहे ओलंपिक्स हो चाहे कोई भी इंटरनेशनल गेम्स हो 50% से ज्यादा मेडल्स हमारे प्रदेश के होते हैं। तो बात करें अगर आप सत्ता में आ रहे हैं तो आप क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे युवाओं के लिए, शिक्षा और बेरोजगारी जो देश में बढ़ रही है, आप कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है। देखिए जैसे मैंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आपका
ये चीजें जो है ये सरकार की जिम्मेवारियां बनती है लोगों को प्रोवाइड कराने की, और मूलभूत सुविधाएं जो सरकार की जिम्मेवारियां बनती है वो सारी प्रोवाइड करवाएंगे। उसके ऊपर आज सिर्फ पहली बार मैं नहीं कह रहा, इससे पहले भी हमने ये काम करे हैं और हमने करवाई है। परिवर्तन पद यात्रा की बात कर लेते हैं, हालांकि इससे पहले भी हमने बात की है, तो कितना प्यार आपको मिल रहा है, कितना समर्थन जनता का मिल रहा है, क्या लग रहा है कि आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, जनता को विश्वास है तभी इतना प्रेम प्यार और आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। तो अब तक कितने जिले आपने कवर कर लिए? अब तक 8 जिले हो चुके हमारे। तो आगे का क्या कुछ प्लान है 2024 चुनावों को लेकर? 2024 चुनाव के अंत तक हम अपने हरियाणा के सारे गांव टच करेंगे, वहां के लोगों से जाकर के मिलेंगे, और फिर जो जो उनकी समस्याएं हैं उनके ऊपर हम कैसे समाधान करेंगे वो उनसे हम वहां पे बातचीत करके आएंगे, उनको विश्वास दिला करके आएंगे और उसके बेसिस पे ही अपना इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इसी तरह की ये जो यात्रा है वो राहुल गांधी ने भी तो निकाली थी। देखिए उनकी यात्रा का मोटिव क्या था, कैसे था, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हम अपनी यात्रा लोगों से टच करने को कर रहे हैं। हम हरियाणा के अंदर 4200 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में 3700 किलोमीटर की करी थी। उनके क्या मोटिव थे, हमारे क्या मोटिव थे, वो बहुत डिफरेंट है। तो आपका क्या मोटिव है? जैसे मैंने आपको कहा, हरियाणा के अंदर परिवर्तन लाना और इस ठगबंधन की सरकार से हरियाणा प्रदेश का पीछा छुड़वाना। तो आपको लगता है कि कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा 2024 चुनावों में? डेफिनेटली मिलेगा। कितना परिवर्तन? पूरा का पूरा मिलेगा। सरकार भी बदलेगी, लोगों का जो हौसला है वो बढ़ेगा, और लोग जो परिवर्तन चाहते हैं वो परिवर्तन आएगा। लेकिन तमाम पार्टियां तो कह रही हैं कि इससे पहले इनेलो ने कोई कार्य नहीं किया है, और अब आप कह रहे हैं कि डेफिनेटली हमारी सरकार बनेगी और कार्य भी करवाएगी। कौन कह रहे हैं, थोड़ा सा नाम? तमाम पार्टियां, कौन सी पार्टियां बताएं तो सरी। अब इसका जिक्र मैं क्या करूं, तमाम पार्टियां ही, आपको भी पता है। आप ही उन पार्टियों का जिक्र नहीं कर सकते, उन लोगों का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि वही वो लोग हैं जो कभी इंडियन नेशनल लोकदल से ही निकल करके आज उन पार्टियों में गए हैं, और उन्हें पता है इंडियन नेशनल लोकदल ने क्या करवाए हैं। सरकार आपके द्वारा किसने करवाया था? इनेलो ने करवाया था। तो फिर वो कैसे कह सकते कि इनेलो ने कोई कार्य नहीं करा? अभी तक बबली जी बोल के गए हैं कि पहले तो इनको चक्कर काटने पड़ते थे सरपंचों को चंडीगढ़ के। कैसे काटने पड़ते थे जब सरकार आपके द्वारा आती थी? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? तो एक आज आप मुझे बताएं, हरियाणा प्रदेश के अंदर हर शहर के अंदर टाउन पार्क है कि नहीं है? बिल्कुल, उससे पहले कभी थे? ये 2000 से 2005 तक में बने हैं कि नहीं बने? स्टेडियम्स के अगर आप उधार देखें, स्टेडियम्स पे कितना काम हुआ है ये 2000 से लेके 2005 तक, हुआ है कि नहीं ये उठा करके देख लें। इससे पहले कितने स्टेडियम्स थे? अगर चौधरी देवीलाल जी ने काम नहीं करे तो फिर आप मुझे बताएं बुढ़ापा पेंशन किसने बांधी है? चलिए, तो आप दावा कर रहे हैं कि 2024 में हमें इनेलो की पार्टी देखने को मिलेगी और सरकार भी इनेलो की ही देखने को मिलेगी। बिल्कुल देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, बहुत शुक्रिया करण चौटाला जी। थैंक यू। और साथ ही गीता बुक्कल जी हमारे बीच में आ गए। गीता बुक्कल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। करण चौटाला जी, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि हमारे एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता जी एक बार फिर से मंच पर आए, और करण चौटाला जी बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सवालों का जवाब दिया, इनका सम्मान करें प्लीज मैम। एक और बेहतरीन सेशन यहाँ पर देखने को मिला, और वाकई में किस तरह से करण चौटाला जो कि यहाँ पर अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते नजर आए, सवालों का जवाब वो देते नजर आए,